नमस्कार दोस्तों, स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल को और नए डिक्टेशन सबसे पहले लिखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। डिक्टेशन स्टार्ट। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को उत्पीड़न से बचाने वाले कानून को पुराने स्वरूप में बहाल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर मोदी सरकार असमंजस में पड़े तो हैरानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में हालिया संशोधन पर सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। चूंकि यह संशोधन खुद सरकार की पहल पर हुआ है, इसलिए उसके लिए उसका विरोध करना संभव नहीं होगा। इसी के साथ वह इसकी अनदेखी भी नहीं कर सकती कि तमाम सामाजिक संगठन यह दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि इस अधिनियम के उसी स्वरूप को स्वीकार किया जाए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। यह दबाव बढ़ाने के लिए ही अभी हाल में कुछ राज्यों में बंद बुलाया गया। पता नहीं इस बंद को किन राजनीतिक दलों ने हवा दी, लेकिन दिखा यही कि यह एक राजनीति प्रेरित आयोजन था। बसपा प्रमुख मायावती ने इस बंद के लिए जिस तरह भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया, उससे यही स्पष्ट होता है कि किस तरह एक संवेदनशील मसले पर संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ साधे जा रहे हैं। क्या यह वही मायावती नहीं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते समय एससी एसटी एक्ट में करीब करीब वैसे ही बदलाव किए थे जैसे अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किए? बात केवल बसपा की ही नहीं, अन्य अनेक दलों की भी है। आगामी आम चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए विभिन्न दल एससी एसटी एक्ट के बहाने अपना अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह चिंताजनक है कि वोट बैंक के आगे उन्हें सामाजिक सद्भाव की कहीं कोई चिंता नहीं। यह ठीक नहीं कि एससी एसटी एक्ट के मामले पर जब निरक्षीर ढंग से विचार करने की जरूरत है तब ऐसा करने से बचा जा रहा है। शायद इसी कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए इस एक्ट के पुराने स्वरूप को बहाल करने का फैसला किया गया। सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि खुद को दलित हितैषी दिखाने के फेर में राजनीतिक दलों ने एक ऐसा माहौल बना दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को खारिज ही कर दिया हो। न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि किसी भी मामले में बिना जांच गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही सुनिश्चित किया था, लेकिन उसे दलित विरोधी करार देने के साथ उसके विरोध में भारत बंद का आयोजन भी किया गया। इस दौरान अनावश्यक उग्रता भी दिखाई गई। क्या संवेदनशील मसले रार थाने से सुलझते हैं? कहना कठिन है कि पुराने स्वरूप वाले एससी एसटी एक्ट पर सुनवाई करने जा रहे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार क्या दलील पेश करेगी। लेकिन अगर इस नाजुक मसले पर संयम का परिचय नहीं दिया गया तो सामाजिक समरसता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसा होना
किसी के भी हित नहीं। बेहतर होगा कि सभी संगठन, चाहे वे राजनीतिक हों या सामाजिक, यह देखें कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर लगाम कैसे लगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी यह देखे कि एससी एसटी एक्ट का ऐसा स्वरूप कैसे बने कि वह प्रभावी भी रहे और उसका दुरुपयोग भी न हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो इस डिक्टेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपको जिस प्रकार के भी डिक्टेशन चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही एक नए और शानदार डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।